हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने डीटर पैलेस में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और डीटर पैलेस में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन कवर कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपका कल था पंचायत का था, यानी कि पंचायत के बारे में देख रहे थे, और आज हमें देखना था नगर निगम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है, क्योंकि जितने भी आपके पीडीएफ होंगे वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना है, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करके रख लेना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि आज का टॉपिक है नगर निगम। तो चलिए नगर निगम को देखते हैं। नगर निगम के बारे में आपको पता ही है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से संशोधन में आया था, यानी कि ये आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 में देखने के लिए मिलता है आपको। फिर ये क्या है, यानी कि ये आपकी हो गई वो, यानी पंचायत क्या थे, ग्रामीण, और ये हो गई शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, ये आपकी कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 12 में, और विषय कितने हैं, 18 विषय हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान से रख लेना, ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर आता है, यानी कि ये आपका किस में है, ये लिखिए भाग 9A अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 243 तय से लेकर आपका 243 ये 6 से संबंधित है, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, और महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपको पता होना चाहिए इसमें, यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल 243 बै क्या कहता है, नगर पालिकाओं के शक्तियों के बारे में बताता है, यानी शक्तियों के बारे में बताता है। 243 नगर पालिकाओं के द्वारा यानी कि उसकी निधि के बारे में बताता है। फिर आपका आ जाता है 243 में, ये क्या है, वित्त आयोग, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, 243 ये जिला योजना समिति के बारे में बताता है, जिला योजना समिति के बारे में बताता है। 243 ये और डे महानगर के बारे में बताता है, यानी कि महानगरीय आयोजन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आती है बात आपकी, तीन प्रकार की नगर पालिका होती है, देखिए तीन प्रकार की नगर पालिका ए, ठीक है। अब पहला नंबर क्या है, पहला आता है नगर पंचायत, यानी कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन होने वाली, क्या होता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में। दूसरा क्या आ जाता है आपका, नगर पालिका परिषद, इसमें क्या होता है, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए होती है। फिर क्या होता है, इसके बाद आता है नगर पालिका निगम। अब निगम के में क्या होता है, बड़े शहरी क्षेत्र के लिए होती है। अब ये आपको पता होना चाहिए ये तीनों चीज़, यानी कि पहली किसके लिए, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन, फिर आता है छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, और ये बड़े शहरों क्षेत्रों के लिए, ये समझ में आ गया।
अब वार्ड समिति के 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली जो नगर पालिका के क्षेत्र था उससे अधिक वार्ड वाले को मिलकर बनता है वार्ड समिति। यानी कि वार्ड समिति के बारे में भी लिख लीजिए, वार्ड समिति क्या है, वार्ड समिति 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्ड को मिलकर वार्ड समिति गठित होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आती है चुनाव की बात, यानी कि इसमें क्या अब आएगी बात, चुनाव। ठीक है, चुनाव में क्या होगा, चुनाव में यानी नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित यानी कि निर्वाचन के तारीख और राज्य विधानमंडल प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या दूसरा कंडीशन क्या आती है, दूसरी बात आती है जो अनुसूचित जाति होती है और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आरक्षण होता है, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये सारी कहानी कहीं ना कहीं आपको पता ही है। और आपका अध्यक्ष और पिछड़े जातियों के यानी कि आरक्षण के संबंधित राज्य विधान का कार्य पर उपलब्ध यानी कि उपबंध बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर आती है कार्य की बात, इसके यानी कि कार्य की बात आती है। कार्य आपको पता ही है, 12वीं अनुसूची 18 विषय यानी कि 12वीं अनुसूची 18 विषय जो क्या है, राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को एक तरह से हस्तांतरित किए जाते हैं और कहीं ना कहीं अन्य कार्य पंचायतों के समान होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आपका एक टॉपिक आता है, इससे पहले क्या करना है, जो भी चैनल यानी कि जो भी चैनल पर हमारे क्या कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की, तो वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर ले सकता है, मात्र 100 रुपये में दिए जा रहे हैं और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे यानी कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद स्लिप को व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है और विद इन 24 आवर आपके पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर सारे के सारे विद सॉल्यूशन वाली बुक आपके गूगल ड्राइव पर पहुंच जाएगी। अब आती है यानी कि नगर पालिका के प्रकार। नगर पालिका के प्रकार कौन कौन से, पहला है नगर निगम, दूसरा क्या है, नगर पालिका, तीसरा क्या है, आदि सूचित क्षेत्र समिति, फिर क्या आ जाता है, नगर क्षेत्रीय समिति, फिर आपका आ जाता है छावनी परिषद, और उसके बाद आता है नगरीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कहीं ना कहीं, यानी कि यह आपके सारे के सारे कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि प्रकार आपको पता होने चाहिए कि निम्न में से कौन सा नगर पालिका का प्रकार नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।